अभी विशेष केंद्रीय सहायता योजना से जिला पदाधिकारी महोदय ने यहाँ किसानों के लिए 30,000 रुपया प्रति एकड़ का प्रावधान किया है, जिसमें 22,000 रुपया स्लिप्स के लिए और आप देख पा रहे हैं। जैसे कि आज मैं गया जिला के बाकरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम बेला में हमारे बीच आए जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा महतो जी, जो कि आज ग्राम बेला में लेमन ग्रास की खेती हेतु यहाँ पे सारे कृषि पदाधिकारी और हमारे जिला पदाधिकारी पहुँचे हुए थे। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपने इस अति सुदूरवर्ती क्षेत्र को ही क्यों चुना? देखिए, लेमन ग्रास की खेती जो सभी क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ जमीन में साल में एक ही फसल होती है या फसल कम हो पाती है, वैसे क्षेत्रों का उपयोग कर लेमन ग्रास से हम लोग कुछ आय प्राप्त करें। आप देख रहे हैं जिस गांव में आप लोग आए हैं, इस बेला गांव में, यहाँ जिस ज़मीन में लेमन ग्रास लगा हुआ है, ज़मीन देखने से ही आपको महसूस होगा कि इसमें या तो कोई पहले से कोई खेती नहीं होती रही है, या कोई होती भी होगी तो एक आध फसल की होती है। लेमन ग्रास लगाने के जो फ़ायदे हैं, साल में एक बार लगाने से 3 बार इसकी कटनी होती है और एक कटनी से 15 से 20 लीटर तेल मिलेगा। तेल की जो कीमत है बहुत ज़्यादा है, 1500 से 2000 रुपये प्रति लीटर तेल है। हम 1000 रुपये की भी बात करें तो एक कटनी से आपको 20,000 रुपया मिल जाएगा, और साल में कम से कम 3 कटनी आप करेंगे तो 60,000 रुपया मिल जाएगा। शुरुआती दौर में कुछ खर्च आता है, खासकर स्लीव्स लगाने में और अन्य चीज़ों में। तो अभी विशेष केंद्रीय सहायता योजना से जिला पदाधिकारी महोदय ने यहाँ किसानों के लिए 30,000 रुपया प्रति एकड़ का प्रावधान किया है, जिसमें 22,000 रुपया स्लीप्स के लिए होगा। तो किसानों को स्लीप्स अगर खरीदेंगे तो वो 22,000 रुपया उनको मिलेगा। अगर स्लीप्स वो यूँ ही लेंगे, अनुदान काट के लेंगे, तो उन्हें कोई शुल्क नहीं देना है, तब वह ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो इसकी आपूर्ति किए हैं, तो स्लीप्स पर खर्च नहीं आएगा। इसके अलावा 8,000 रुपया उन्हें इस खेती के लिए अलग से दिया जाएगा। तो प्रारंभ में जो खर्च होता है वो बहुत उसकी बहुत बड़ी भरपाई जिला पदाधिकारी ने अपने सहायता से, वित्तीय सहायता से कर दी। अब ये जो घास हमारा तैयार होगा, 4-5 महीने में जब पहली कटनी होगी, तेल निकलेगा, तो किसानों को आने लगेगा 15 से 20 लाख। हर 3 महीने, हर 4 महीने पर वो घास की कटनी करेंगे। तेल सबसे बड़ी समस्या इसमें होती थी, तो घास जो कटनी हो गया, अब उस घास का करेंगे क्या तेल। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।